What is Pegasus spyware? No, how suspicious is this for your phone? नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या है पेगासस स्पाईवेयर और ये आपके फोन के लिए कितना हानिकारक है। आपको बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का वायरस है जो अपने फोन या कंप्यूटर में जाने के बाद आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस करके वो सारी इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुँचाता है। कंप्यूटर वायरस की बात करें तो 1986 में पहली बार द ब्रेन बूट सेक्टर वायरस नाम का वायरस पाया गया था, जो कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क को काफी हद तक अफेक्ट कर देता था। इस वायरस को पाकिस्तान में रहने वाले दो भाई बसीत और अमजद फारूक अलवी ने मिलकर बनाया था, जो कि पाकिस्तान में ही एक कंप्यूटर की दुकान चलाते थे। 1986 के बाद आज कंप्यूटर वायरस की तादाद इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अपने कंप्यूटर सिस्टम में तरह तरह के एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों के कंप्यूटर वायरस का शिकार हो जाते हैं। आज के जमाने में हैकर्स लोगों के पर्सनल डिटेल पाने के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के पर्सनल डाटा पर एक्सेस करके उनके साथ स्कैम करते हैं। इसी तरह एक वायरस आजकल बहुत से लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स पर हावी हो रहा है, जिसका नाम पेगासस स्पाईवेयर है। ये वायरस किसी अन्य तरीके के ही वायरस की तरह आपके सिस्टम में घुसकर आपके पर्सनल फाइल्स का एक्सेस हैकर्स को देता है और इसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। माना जा रहा है कि इस वायरस का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी सिस्टम को एक्सेस करके प्राइवेट डाटा का एक्सेस पाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की एक फर्म द्वारा बनाया गया वायरस है। आखिरी बार भारत में लोगों ने इस स्पाईवेयर के बारे में 2019 में सुना था, जब कुछ व्हाट्सएप यूजर्स को मैसेज मिला कि पेगासस ने उनके फोन को हैक कर लिया है। जो इस स्पाईवेयर का शिकार हुए थे उन लोगों में कई पत्रकार और एक्टिविस्ट शामिल थे। अक्सर खबरें आती हैं कि इसकी मदद से तमाम लोगों के फोन को हैक किया गया। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये क्या है और कैसे ये लोगों का फोन और व्हाट्सएप हैक कर लेता है। तो आइए जानते हैं। पेगासस स्पाईवेयर ज्यादातर आईफोन यूजर्स को टारगेट कर रहा था। इसके बाद एप्पल ने iOS का अपडेट वर्जन रिलीज किया था, जिसने कथित तौर पर उन सुरक्षा खामियों को दूर कर दिया था जिसका उपयोग पेगासस फोन हैक करने के लिए कर रहा था। हालांकि इसके एक साल बाद एक्सपर्ट ने कहा कि यह स्पाईवेयर एंड्रॉइड फोन को भी प्रभावित कर सकता है। उस समय इस स्पाईवेयर को मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फोन हैकिंग टूल कहा गया है। इसका 3 बार इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कहानियां हम आज भी सुन रहे हैं। गौरतलब है कि NSO ग्रुप ने पेगासस के अस्तित्व की पुष्टि की है। हालांकि इजराइल कंपनी ने यह भी कहा है कि वह केवल सरकारों को उपकरण बेचती है और वह इसके दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है। आजकल जो आप फोन पर किसी से मैसेज पर बात करते हैं तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहता है, जिससे आप दोनों के अलावा वो मैसेज कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर आपका फोन इस स्पाईवेयर की चपेट में आ गया है तो यह आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट को भी एक्सेस कर सकता है। रिसर्च के मुताबिक पेगासस आपके मैसेज को देख सकता है, आपकी कॉल को ट्रैक कर सकता है, यूजर्स की ऐप एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा यह आपकी लोकेशन डेटा और वीडियो कैमरा के डेटा को भी प्रभावित कर सकता है। दुनिया भर की सरकारों लोगों की जासूसी करने के लिए इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती है। हैकर्स की दुनिया में पेगासस स्पाईवेयर को इतना पसंद किया जाता है कि सब हैकर्स ने इसे 5 में से 5 रेटिंग दी है, क्योंकि फोन के यूजर्स को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी डिवाइस से कोई छेड़खानी की गई है। एक बार जब कोई हैकर किसी ऐसे फोन की पहचान कर लेता है जिसे हैक करने की जरूरत होती है, तो वो अपने टारगेट यूजर को एक वेबसाइट लिंक भेजते हैं। अगर यूजर उस पर क्लिक करता है तो फोन पर पेगासस वायरस चल जाता है। यह व्हाट्सएप जैसे ऐप के जरिए की जाने वाली कॉल में एक सुरक्षा बग के जरिए भी इंस्टॉल होता है। वास्तव में यह कॉल इतनी शक्तिशाली और गुप्त है कि केवल यूजर्स को एक मिस्ड कॉल देकर भी फोन पर पेगासस वायरस लॉन्च किया जा सकता है। एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाने के बाद यह कॉल लॉग एंट्री को हटा देता है, जिससे यूजर्स को मिस्ड कॉल के बारे में पता नहीं चलेगा।
ग्लोबल लेवल पर करीब 50,000 फोन नंबरों के लीक हुए डाटाबेस शामिल हैं, जिसमें कई भारतीय पत्रकारों के नाम भी हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फोरेंसिक टेस्ट ने 37 फोन के टारगेट बनने की बात की पुष्टि की, जिनमें से 9 आईफोन और एक एंड्रॉइड भारतीय यूजर थे। हालांकि आज के समय में भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा सेशन के दौरान कहा कि रिपोर्ट कहती है कि डेटा में फोन नंबर्स की मौजूदगी से हैक की पुष्टि नहीं होती, डेटा से यह साबित नहीं होता कि सर्विलांस हुआ है। NSO ने भी कहा है कि रिपोर्ट गलत है और आधारहीन है। अश्विनी वैष्णव ने सर्विलांस के प्रोटोकॉल्स को गिनते हुए कहा कि किसी तरह का अवैध सर्विलांस हमारे सिस्टम में संभव नहीं है। भारत में इसके लिए एक अच्छी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक संचार का वैध अवरोधन किया जाता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक संचार के वैध अवरोधन के लिए अपील प्रासंगिक नियमों के मुताबिक की जाती है। अवरोधन के प्रत्येक मामले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रूव किया जाता है। हालांकि भारत के आईटी मिनिस्टर ने तो इसे गलत ठहरा दिया, लेकिन आइए जानते हैं कि अगर कभी आपका कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल इस वायरस का शिकार होता है तो आप कैसे इससे बच सकते हैं। वैसे तो ये स्पाइवेयर काफी सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन तमाम कंपनियों ने एप्स और फोन की सिक्योरिटी काफी अच्छी कर दी है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आईफोन या एंड्रॉइड में एप्स के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फोन के हैक होने की आशंका कम हो जाएगी। समय समय पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट की सिक्योरिटी चेक करते रहें और जरूरी कदम उठाते रहें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध मैसेज या लिंक आए तो उस पर क्लिक ना करें, इससे आप अपने फोन को इस वायरस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।